आपराधिक अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार दिए गए थे पहले, और अब उन पर एक रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ये दिलचस्प है। हमारे साथी आशीष भार्गव अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, उनसे समझते हैं, आएंगे वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शारिक, ये एक दिलचस्प मामला है कि आखिरी बार किस वकील के ऊपर इस किस्म के से एक रुपए का जुर्माना लगाया गया हो, ये हमें नहीं पता है। अमूमन इन मामलों में या तो कड़ी फटकार लगा दी जाती है, नोट पर ले लिया जाता है कि आपने एक गलती की थी, या माफ़ी मांग लेते हैं वकील, लेकिन प्रशांत भूषण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ट्वीट करने के मामले में प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि आप ही सलाह दीजिए कि क्या सज़ा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सुनवाई पूरी कर सज़ा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको यहाँ बता दें कि एक रुपए का जो जुर्माना लगाया है, अगर वो जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो फिर उन्हें 3 महीने की साधारण जेल, और इसके अलावा जुर्माना देने पर 3 महीने की साधारण जेल के अलावा उनका लाइसेंस यानी निलंबित कर दिया जाएगा। जो वकालत का लाइसेंस होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 महीने के लिए वकालत भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि नहीं, इसको हम फिर से थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, अगर वो फाइन नहीं देते हैं तो 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब साफ है, एक रुपए का जुर्माना चुकाइए या फिर 3 महीने के लिए साधारण तौर पर जेल में जाइए, या फिर 3 साल के लिए वकालत आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसा अभी अभिषेक आप भी बता रहे थे कि 2018 का यह मामला है जिसको लेकर ये पूरी कवायद चल रही थी। कोर्ट ने कहा था कि हम दोनों ही इस तरह से सिस्टम के हिस्सा हैं और इस एक तरह से हम एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकल्प भी दिया था कि अगर आपने जो ट्वीट किया था उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं या आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम आपको वक्त देते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण ने इसे मना किया और अब उन्हें 1 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जुर्माना ना देने पर 3 महीने की साधारण जेल या फिर 3 साल तक वकालत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और प्रशांत भूषण के मामले में जजों ने कहा है कि जो अदालत ने कहा है कि इस मामले में जजों को प्रेस में नहीं जाना चाहिए, जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। फैसले में जनवरी 2018 की जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूषण ने अपने लिखित स्टेटमेंट को कोर्ट में देने से पहले प्रेस में दिया। प्रेस में प्रकाशन और अग्रिम में एक प्रति साझा करना न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है। बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अवमानना के आरोपी का आचरण देखा जाना चाहिए और इसीलिए 1 रुपये का जुर्माना है। जुर्माना ना देने पर 3 महीने की साधारण कैद है। अगर फाइन नहीं देते हैं तो 3 महीने या 3 साल, इसको लेकर शारीरिक थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है कि शायद उन्हें 3 महीने के लिए वकालत से निलंबित किया जाएगा या 3 साल तक के लिए किया जाएगा। 15 सितंबर तक भूषण को 1 रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। 1 रुपये का जुर्माना 15 सितंबर तक भरना है। मुझे लगता है कि 1 रुपये का जो जुर्माना है वो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे प्रशांत भूषण, क्योंकि ये मामला शारीरिक किसी जुर्माने की रकम का नहीं है। अगर इस पे 1,000 रुपये का भी लगता या 200 रुपये का भी लगता, 100 रुपये का भी लगता, तो हमारे साथ आशीष भार्गव। आशीष, बताएं अंदर क्या क्या हुआ, और ये 1 रुपये के जुर्माने को आप कब याद करते हैं कि ऐसा पहले कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ 1 महीने पहले रिपक कंसल नाम के एक वकील को अवमानना का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रजिस्ट्री में जो लिस्ट किए जाते हैं मामले, वो गलत तरीके से लिस्ट किए जाते हैं और प्रभावशाली लोगों किए जाते हैं, तो उन पर 100 रुपये का जुर्माना टोकन मनी के तौर पर इसी बेंच ने, जस्टिस अरुण मिश्रा ने लगाया था। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसलिए है कि 1 रुपये का जुर्माना लगाया है, लेकिन आप दोषी तो करार हो ही चुके हैं ना। आप 1 रुपये लगाएं, 100 रुपये लगाएं, कोई बहुत फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन आप कंडीशन देखिए। 15 सितंबर तक अगर प्रशांत भूषण 1 रुपया जो है फाइन का वो जमा नहीं कराते हैं तो उनको 3 महीने की साधारण जेल और 3 साल तक के लिए उनको अपनी प्रैक्टिस से हाथ धोना पड़ेगा, निलंबित हो जाएगा उनका लाइसेंस जो वकालत का है। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है 2018 की, जिसमें 4 जज बाहर चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा
कि जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, उनके लिए प्रेस से इस तरीके से प्रेस स्टेटमेंट जारी करना कोर्ट से बाहर ठीक नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने जो अपने लिखित स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए उससे पहले उन्होंने प्रेस को दे दिए, ये भी आचरण ठीक नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो आचरण जो है कंटेमिनर का, यानी जिसके खिलाफ अवमानना का आरोप है, उसके आचरण को भी देखा जाना चाहिए। तो एक बैलेंस जजमेंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की है और कहा है कि एक रुपया का जुर्माना है, एक टोकन मनी है, एक तरीके से कोई जेल की सजा नहीं है, लेकिन सजा तो सजा होती है, चाहे वो एक रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1,00,000 रुपए की हो, और जो कंडीशन है वो ज्यादा बड़ी है। मुझे लगता है 3 महीने की जेल, चाहे साधारण जेल, और 3 साल तक वकालत की के जो प्रैक्टिस है उससे निलंबन। तो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया है प्रशांत भूषण को लेकर, जिन्होंने ट्वीट किए थे। जी देखिए, सजा तो वो पहले ही सीधी सी बात है कि वो एक वकील हैं, बहुत पुराने वकील हैं, बहुत सारी चीज़ों को, कानूनी पहलुओं को वो जानते हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो क्या कदम उठाएंगे, लेकिन जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि वो पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं इस मामले में। तो यहाँ तो बात सिर्फ सजा की थी, अब सजा के लिए 1 रुपया जुर्माना लगाया गया है, सजा के तौर पर एक टोकन जुर्माना है, और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि वो उनको बड़ी सजा नहीं देना चाहता है, लेकिन उनको बताना चाहता है कि आप भी सजा के हकदार हैं, क्योंकि आपने अफसोस नहीं जताया, आपको बार बार मौके दिए, उसके बावजूद आप इस तरीके से मीडिया में जाते रहे जजों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इशारा जरूर किया है, ये भी कहा कि एजी ने भी ये बात माना है कि उनको माफ किया दिया जाए, उनके ऊपर कोई बड़ी सजा उनको ना दी जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन जरूर लगाई है कि अगर आप 1 रुपया का फाइन नहीं देंगे, जो आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, तो वो जो सजा होगी वो काफी बड़ी होगी। 3 महीने की सजा बहुत बड़ी होती है जेल, और 3 साल तक प्रैक्टिस, यानी वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे, वो वकालत नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ज्यादा बड़ी सजा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में 1 रुपए का जुर्माना ही ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ये देखना होगा कि वो रिव्यू में, उनके पास एक मौका है रिव्यू में जाने का, उसके बाद वो पुनर्विचार याचिका क्यूरेटिव दाखिल कर सकते हैं। 15 सितंबर तक का वक्त अभी उनके पास है। जी तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।